दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की महारैली। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सभी 27 दलों के नेता हुए शामिल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा बीजेपी की चिंता है कि वे जा रही है, आज हम दिल्ली आ रहे हैं और प्रधानमंत्री आज दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। कौन दिल्ली आ रहा है और कौन दिल्ली से जा रहा है पहले से तय। सपा प्रमुख महारैली में शामिल। इंडिया गठबंधन की रैली पर सीपीआई के महासचिव डी राजा ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा सभी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी दलों के खिलाफ किया जा रहा है, इसलिए आज की रैली को लोकतंत्र बचाओ रैली कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने नोटबंदी पर उठाए सवाल, कहा नोटबंदी से कालाधन सफेद में बदला, पहले भी जस्टिस नागरत्ना ने नोटबंदी को बताया था असंवैधानिक। महाराष्ट्र के बारामती लोकसभा सीट पर सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार में होगा मुकाबला। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले 2009 से सांसद, जबकि अजित की पत्नी सुनेत्रा पवार पहली बार चुनावी मैदान में उतरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घर जाकर एल के आडवाणी को किया भारत रत्न से सम्मानित, पीएम मोदी भी रहे मौजूद। शनिवार को चार शख्सियतों को मरणोपरांत दिया गया भारत रत्न। मेरठ में पीएम मोदी की देश में पहली चुनावी रैली, जयंत, राजभर, अनुप्रिया भी शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद। पश्चिम से पूर्वांचल तक को साधेंगे पीएम मोदी। यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव, कुशीनगर से चुनावी मैदान में उतरेंगे खुद स्वामी प्रसाद मौर्य, तो देवरिया सीट से एसएन चौहान को दिया टिकट। ओवैसी की एआईएमआईएम और पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी ने मिलाया हाथ, 3 दर्जन से अधिक लोकसभा सीटों पर लड़ेंगी चुनाव, एक मंच पर आएंगे पिछड़ा दलित व मुस्लिम नेता। मध्य प्रदेश में भोजशाला में एएसआई सर्वे को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने मामले में याचिका में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग। पाकिस्तानी नाविकों ने लगाए भारत जिंदाबाद के नारे, भारतीय नौसेना को कहा शुक्रिया, भारतीय नेवी ने सोमालिया के समुद्री लुटेरों से बचाया था। नवाज शरीफ के करीबी पूर्व वित्त मंत्री इशाक डार बनेंगे पाकिस्तान के वित्त मंत्री, 4 बार पहले भी संभाल चुके हैं देश की अर्थव्यवस्था, शहबाज सरकार ने दी कमान। गाजा में इसराइली सेना की एयर स्ट्राइक, इसराइल का दावा तबाह की खुफिया सुरंग, हमास का अहम ठिकाना निस्त नाबूद। राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रंप के कैंपेन में यूएस प्रेसिडेंट की हाथ पैर बंधी फोटोज पर छिड़ा विवाद, बाइडेन के प्रवक्ता बोले ये अशांति फैलाने की कोशिश, वे संसद पर कर चुके हैं हमला। अमेरिका में अपाचे हेलीकॉप्टर की सुरक्षा पर उठे सवाल, 2 महीनों में अमेरिकी सेना के 4 हेलीकॉप्टर क्रैश, भारत भी अपाचे हेलीकॉप्टरों का करता है उपयोग। यूरोप के नॉर्डिक बाल्टिक देशों के समूह के साथ भारत का बढ़ा कारोबार, निर्यात में 10.16% जबकि आयात में 9.5% की वृद्धि, स्वीडन भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार। घट रही है नियमित वेतन पाने वालों की मासिक कमाई, 12 वर्षों में 12,100 से घटकर 10,925 रुपए रह गई आय, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट में खुलासा। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। चेन्नई के खिलाफ 65% मैच हारा है दिल्ली, इस सीजन जीत का खाता भी नहीं खुला। आदिल खान दुर्रानी ने राखी सावंत पर लगाया पैसे चुराने का आरोप, पूर्व पत्नी को कहा धोखेबाज और ढोंगी। बॉक्स ऑफिस पर मॉन्स्टरवर्स की नई फिल्म गॉडजिला एक्स कॉन्ग का तूफान बरकरार, अब तक 27.5 करोड़ की कमाई।